तित्तू यार, एक कंगन लाने में कितनी देर लगती है? अरे सॉरी यार, अंकल जी ना पता नहीं कहीं पे भी रख के भूल जाते हैं। 15 मिनट लगा दिया उन्होंने ढूंढने में। ये स्यापे हैं बाय गॉड। मेरे पापा भी ना एक नंबर के आइटम है। देखना इतने सारे ट्राई किए, कोई भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैम आप ना शाहिद कपूर के साथ डेट पे नहीं जा रहे हो जो इतना सोच रहे हो। वो चूहे जैसी शक्ल के जीजे के साथ आइसक्रीम खाने जा रही है, चिल कर ले थोड़ा प्लीज। चूहे जैसी शक्ल तो नहीं है, मतलब ठीक दिखता है, कम ऑन। वैसे एक्चुअली ठीक ही दिखता है, मतलब नल्ले अंकल के जीन्स है तो फिर ऐसा ही होगा। तो बीइंग सो मीन तू, ऐसे किसी के बॉडी शेप पे मजाक नहीं उड़ाते उनका। हैव सम मैनर्स। ओह रियली, लुक हू इज टॉकिंग। कौन बोल रहा था उस दिन, नल्ले अंकल एकदम भोंदू लगते हैं, नल्ले अंकल ऐसे हैं वैसे हैं। रेडी हो जाओ, वेट कर रहा है कब से मेरा। आज भी अकेले ही बैठे रहोगे? ये तो मुझसे पूछ रही है या अपनी काली जबान से भविष्यवाणी कर रही है तू? पूछ रहा हूं, मुझे पूछना पसंद है। तो तेरी सारी हॉबीज में मुझे क्यों इन्वॉल्व करता है तू? हाँ, शांति से बैठने पे कस्टमर हूं ना मैं। पर मुझे भी तो जानना जरूरी है, कौन कौन आएंगे, क्या क्या खाएंगे, कितनी देर बैठेंगे। एक मोहतरमा आएगी, थोड़ी देर बैठेगी। अच्छा वही वाली? वही वाली मतलब, वही वाली मतलब कौन? वही जो पिछली बार भी नहीं आई थी। हाँ लेकिन इस बार उसे आने को मैंने मजबूर कर दिया है। इतना भरोसा क्यों है? मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी मिल सकती है? तो प्लीज अपना काम कर घिसू, प्लीज घिसू। पब्लिक प्लेस में प्राइवेसी क्यों चाहिए? ताकि तुम मेरे गोद में बैठ जाएगा क्या अब? सॉरी, एंजॉय। मुझे पहन लेने दे। अरे हो रहा है। जैसे मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं ना यहाँ पे, मुझे भी डर लग रहा है। मम्मी पापा दरवाजा खोलो। मिस्टर जिंदल, एनीथिंग एल्स? यही एक वेनिला कप और दे दे। किसके लिए? बच्चे यहाँ और कौन सा प्रेत बैठा नजर आ रही है मुझे बता। नहीं लेकिन जो मोहतरमा आने वाली थी उसके लिए भी तो मंगा सकते हो। तो वो जब आएगी, अगर आएगी तो मंगवाऊंगा ना। तो अभी क्यों मंगा रहे हो? यार किससे मुझे आइसक्रीम खाने का हक नहीं है क्या? ऑलरेडी 4-5 तो खा चुके हो, क्यों अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हो? पर तूने आइसक्रीम की दुकान खोली है, मैं पेमेंट करके तुझसे आइसक्रीम ले रही हूँ, तू प्रॉफिट गिनना। तू मेरा मार्गदर्शक बनने पे क्यों आमादा है? कितनी उम्र है तुम्हारी? 23 years 5 months। मैं तुमसे 13 साल बड़ा हूँ, 36 years and 5 months। एग्जैक्ट? यस। मेरा भी एक भाई है जो मेरे कमाए हुए पैसे उड़ाता है। क्यों करते हो तुम नौजवान लोग ऐसा? भाई का नाम क्या बताया? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। तो जवाब दे दे, उसके बाद पूछ लिए सवाल। ये भी सही है। खोलो, अरे कोई है, प्लीज बोलो। हेलो, अरे बहरे हो गए क्या सबके सब? सीपी, खिड़की तोड़ दे। अरे मेरी बहन, तोड़ा तोड़ी मचाने से पहले वेट कर लेना, कोई ना कोई सुन लेगा। ऑफ कोर्स। पापा प्लीज दरवाजा खोलो। अंकल, कोई है बाहर? मम्मी, एनीबॉडी? मैं तुझे कह रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तू जिम्मेदार है। रियली? मैं भी तो यहाँ तेरे साथ ही फंसी हुई हूँ ना, मुझे भी तो कुछ होगा। Oh my God, मुझे भी कुछ हो जाएगा। क्या सवाल है? अरे भाई का नाम क्या बताया? पिस्सू। क्यों पूछ रहे हो? पिस्सू? तो घिस्सू हो पिस्सू। इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, हंसने की बात नहीं है, बट जाहिर सी बात है, एक घिसेगा तो दूसरा पिसेगा। क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मूड बिगाड़ दिया तूने मेरा। जब से आया हूँ तहकीकात कर रही है मुझसे, कौन आएगा, क्यों आएगा, किस लिए, कितनी देर, क्या क्या करूं मैं? I'm sorry. It's okay. मूड बिगाड़ने वाला मैं कौन होता हूँ? पर जिस लड़की को तुम हर बार बुलाते हो वो क्यों नहीं आती? धिक्कार है तुम पर। क्या कमी है तुम में? मैं शादी के बिना ही मर जाऊंगी। तू? मैं शादी के बिना मर जाऊंगी। कॉमन सेंस नहीं है तेरे में? एक्सक्यूज मी, कॉल योर पेरेंट्स। फोन लगाना अंकल आंटी को। भगवान जी ने फोन भी तो बनाया है। ग्राहम बेल ने बनाया है यार। ग्राहम बेल को भी ना ये भगवान जी ने ही बनाया था। अच्छा फोन लगा प्लीज। यार नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क कैसे नहीं आ रहा तेरे फोन में? मुझे क्या पता, हर बार नेटवर्क के पूरे बाज आते हैं, लेकिन अभी नहीं आ रहा है यार। सीपी, मेरा नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यार। नन्ने तू मेरी यार, तू बात तो क्यों नहीं समझ रहा है यार? मैंने सच में जानबूझ के नहीं मारा तुझे, यकीन करना मुझ पे। अबे क्या यकीन करूं, जानबूझ के नहीं मारा, बातें कर रहा है। आपने भी तो मेरी बात नहीं मानी। मैंने भी आपको जानबूझ के नहीं मारा था, और मैंने भी सुबह तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा था। बस ऐसे तो हर मुजरिम बोलेगा, मैंने जानबूझ के गुनाह नहीं किया, जानबूझ के गुनाह नहीं किया, तो देश के सारे जेल खाली हो जाएंगे। तू चुप रह, मुझे हम लोग मुजरिम दिख रहे हैं यहाँ पे। अबे वादे कर रहा, छोड़। मेरा मुमोत हलवा है। अबे बचपन से तेरे देख रहा हूँ मैं, तेरे अंदर ना बेटे एक मुजरिम छुपा हुआ है, ध्यान रखिए। मेरी हवेली पे कब्जा करके बैठा हुआ है, वादे कर रहा है। ओ भाई साहब, आप मुद्दे से डोल रहे हैं। कौन किसकी हवेली हत्याए बैठा है ना, अगर इस बात पे घुसेंगे ना तो जानबूझ के एक दूसरे को थप्पड़ मारने की नौबत आ जाएगी। हो सही बोल रही भाभी, वैसे मतलब ठीक है, सही है बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको नॉर्मली क्या बुलाता हूँ वैसे? सोफिया आंटी। आज से ना मैं आपको चाची बुलाऊंगा। है? आपके लिए इज्जत बढ़ गई है मेरी नजरों में बहुत ज्यादा। हो गया, मुद्दे पे आए। हाँ हाँ अरे हाँ भाभी जी मुद्दे पे आते हैं। देखिए बात मुद्दे की यह है कि सुबह से देख रहा हूं मैं कि जब जब ये बात कही गई है कि ये कंगन सीपी पहने की, तूने बदला लिया ना मुझसे? नहीं नहीं भैया कैसी बातें कर रहा है यार, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। ये कमबख्त मतलब पता नहीं क्यों मैं सॉरी यार, मैंने जानबूझ के नहीं मारा भैया। इसका मतलब जो भी ये लाइन बोल रहा है उसके सामने वालों से धो दे रहा है। कौन सी लाइन? वो वही जो ये बोले थे। कौन सी बोली भैया? ये कैसे हो सकता है ना? मैं भी नहीं मानता आंटी जी, ये जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग। एक मिनट भैया, मेरे पास ना एक आइडिया है। एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ भाभी, नानो ने भाभी हाँ। मैं यही लाइन दूर जाके बोलता हूँ, ठीक है? अगर तूने मुझे पास में आके मारा तो तूने जानबूझ के मारा, ठीक है? तो तू कैसे ये तय करेगा कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा है? अगर तूने जानबूझ कर नहीं मारा भैया तो हाथ वहीं से हिलाएगा ना, ऐसे ऐसे मैं बच जाऊंगा। बिंदु है बेटा, तेरी आवाज में बिंदु है। रेडी? चलो चलो चल ठीक है। देख मैं यहाँ पे ना मैंने ऐसे हाँ। अब मैं लाइन बोलता हूँ, ठीक है? नानू संभाल के जरा। हाँ 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 भाभी यहाँ पे आकर पकड़ लेना इसको। ये कंगन सीपी पहने की नहीं मारा। उसकी तो बत्ती बुझ गई। गुलजार क्या भाई, सारी इज्जत तूने अपनी चाची को दे दी और हमारे लिए क्या रखा? सिंगट्टा? नहीं नहीं अंकल जी, आप तो मेरे पिता समान हो। अबे पिता को पपीता बना के पेल दिया तूने, हैं? मैं जानबूझ के नहीं किया अंकल जी, सही बोल रहा हूँ मैं। मेरा हाथ अपने आप चल रहा था। मैं कसम खा रहा हूँ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो सुबह मैं अपना मरा मुंह देखूं। ना ना ऐसी मत बोल बेटी, भाई कुछ तो लफड़ा चल रहा है यहाँ पे। मेरा तो दिल घबरा रहा है यार। नहीं मेरी एक बात समझ में आ गई है कि जो भी ये लाइन बोल रहा है ना, वो उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना। एक काम करो भाभी, तुम दीदी को बुला लो। अरे यार तेरी दीदी ने मेरे दीदी फाड़ दिए यार। तुम सीपी को बुला लो भैया यार, प्लीज बुला लो उसको यार। हाँ नहीं बात तो बिल्कुल सही कह रही है। एक काम करते हैं, देखिए जिसके कंगन की बात चल रही है उसको यहाँ बुलाते हैं। सीपी आएगी तो फिर सब कुछ साफ हो जाएगा कि माजरा क्या है। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है यार? ये ऑफ करके ऑन कर। अरे 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ, नहीं आ रहा था नेटवर्क। यार क्यों रहते हो इतने भूतिया घर में? जस्ट लीव द हाउस, कितनी बार मैंने कहा है। इट्स ओके, इट्स गोना बी ओके। जितने चिल्ला के बात करते हैं और भाभी के लिए तुम उसे शहद पे पकता है। सीपी तू अंदर है? हाँ मम्मी। हम सब हॉल में बैठे हैं, आ जा जल्दी से। हाँ मम्मी अभी आ रही हूँ, तितली के साथ हूँ, रेडी होके आती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी 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 सीपी ये तू नहीं थी क्या? मेरे को बोलने से पहले किसी ने बोल दी। आवाज बेड के नीचे से देखिए जल्दी अंकल, दरवाजा खोलोगे लॉक हो गए। सिपी 2 मिनट में आ रही। बस भैया बस, अभी देखियो अभी हो जाएगा सब, दूध का दूध पानी का पानी। बता रहा हूँ दूध से याद आया, दीदी आप चाय बना रहे हो क्या? दीदी ऐसा तो कोई इरादा नहीं है दीदी, चाय बना लेना, एक कप मेरे लिए बना लियो। हाँ भाभी जब अपने हाथ से बना रही हो तो मैं भी पी लूँ एक चाय। बस मेरे लिए भी थोड़ी सी बनाई देना है चाची। पर बना कौन रहा है? अरे तो बना लो ना दीदी, सबको तलब लग गई है चाय की। ना मैं नहीं बना रही। अरे मैं बनवा ले यार, हमको भी चाय की चौकास लग रही है। तेरी लुगाई बातें बना रही है यार, चाय नहीं बना रही है। कैसी मतलब खातिरदारी हो रही है हमारी यार। सैफू बात मत बना, चाय बना दे। अजीब मुसीबत है। चलो भाग, चलो भाग। इन लोग नानू ये बूटियापन फिर से शुरू हो गया। चलो घर चलते हैं। चलो चलो भाग, चलो भाग भाग। अरे क्या भाग भाग कह रहे हो? तो सही दिल्लो मैं इल्ली बारे मेरे पेड़ जाम जो हो रहे भैया, ठंडा पड़ गया हूँ। अरे मेरे लोंडे लोंडे मुझे गोद में उठा ली मेरे लोंडे। जा बेटे चुपचाप बैठे रहो, मुझसे खुद ही ला यार, मेरी किताब वहाँ गिरी पड़ी है। तुझे भगवान उठागा बेटे, बता रहा हूँ तुझे मैं। नानू नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे हाथ पर भी ठंडे पड़ जाते हैं। सैफू ठीक है तो? आवाज से तो ना लग रही कि तू ठीक है। अब इस सिचुएशन में इससे अच्छी आवाज नहीं निकलेगी। सुन मोमबत्ती जला ले। अरे वही रखिए ना सीपी के फोटो के नीचे जो टेबल है, खुद जला लो। लगी लगी भैया, आराम से आराम चल भैया, संभाल संभाल के संभाल के। सैफू कंगन कहाँ है? कौन से कंगन? अरे वही जो हमें पुराने कमरे से मिला था। अरे वो तो तितली लेके गई ना अभी तुम्हारे पास से सीपी के पास। अरे अंकल जी आप फिर कंगन की बात कर रहे हो, अंधेरे में रहपट खाने का दिल कर रही है क्या? सही बोल लिया यार। अरे इस पेंटिंग से वो कंगन गायब है। क्या कह रहे हैं? क्या बोल लिया भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? हो? आपको शायद अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा। जल्दी जी भाभी जी आप खुद आके देख लीजिए यहाँ पे। क्या जल्दी सीपी कहाँ है भैया? सैफू, हाँ? सीपी को खतरा है। हाँ? हाँ? चल चल। हाँ? संभाल के ना, तो संभाल के। सीपी, सीपी बेटा दरवाजा खोल। सीपी, सीपी तो ठीक है ना बेटा, दरवाजा खोल। पापा, पापा दरवाजा नहीं खोल रहा है। अंकल जी दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। सीपी, सीपी, सीपी बेटा, अरे तो कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? कुछ हाँ ना तो कुछ बोल। बोलो। अरे बोल तो रही हो यार। सीपी, सीपी मैडम टपक तो नहीं ली गई? कौन ली जवान? अगर मनहूस बातें की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पापा, अंकल जी प्लीज खोलिए। सही किया, सिंघाड़े को सूंघ दिया। अबे मौका देख के भौंका कर कल मुए। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या बोली? यही तो बोलूंगा मैं फिर। ऐसे नहीं बोलते हैं। हाँ, हो सकता है वो सो रही है। सीपी, 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 सीपी बेटा। कन्नू, अरे दरवाजा खोल बेटा। मुझे चल जल्दी भैया, मेरे पास ना एक आइडिया है। तो बोलना जल्दी। नहीं मैं बोलना जा रहा का दरवाजा तोड़ दे भैया, तोड़ दे। तोड़ पाएगा? तोड़ पाएगा? अभी दरवाजा कभी नहीं खुलेगा और आप अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.